नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिषाचार्य केसी पांडे आपका एस्ट्रो योगी हिंदी यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे साल के छठे महीने यानी जून माह की और जानेंगे कि जून का महीना राशि चक्र की 12 राशियों के लिए कैसा बीतने वाला है, क्या उपाय करके हम अपने 30 दिनों को बेहतर बना सकते हैं। साथ ही मैं आपको जानकारी दूंगा कि इस महीने कौन कौन से तीज त्यौहार आपको मिलेंगे, किस ग्रह गोचर या ग्रहण का आपके जीवन पर कैसा असर रहेगा। इसके अलावा जून के महीने में कौन कौन से विवाह मुहूर्त, गृह प्रवेश मुहूर्त और वाहन खरीदने के मुहूर्त बन रहे हैं, इसके बारे में भी हम आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक, कमेंट और इसे शेयर भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं राशि चक्र की 12 राशियों के मासिक राशिफल के बारे में। जून के महीने में मीन राशि वाले सभी प्रकार से अच्छे फल पाएंगे। प्रेम संबंधों हेतु मंगल का गोचर रिलेशनशिप के लिए सावधानी भरा है। सतर्कता रखने से ही जून के महीने में रिलेशनशिप की स्थिति अच्छी रहेगी। 2 जून को मंगल कर्क राशि में जाएगा जो उसकी नीच राशि है। सावधानी न रखने पर रिलेशनशिप की स्थिति खराब हो सकती है। रिलेशनशिप भाव पर शनि की दृष्टि पार्टनर्स के मध्य दूरी भी बना सकती है। करियर के हिसाब से मीन राशि वालों के लिए जून का महीना आशा के अनुरूप फल देगा। यह आपकी आशाओं की पूर्ति का समय है। आपकी बड़ी इच्छाएं इस समय पूरी होंगी। लंबी यात्राएं भी दिखाई देती हैं। अपनी ऊर्जा का सही प्रयोग करके आप अपने करियर को स्थापित कर सकेंगे। बिजनेस और आपके प्रमोशन के लिए भी यह समय अच्छा रहेगा। अपने व्यवसाय के विस्तार हेतु आप अच्छी रणनीति इस समय बना सकते हैं। जून माह में मीन राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। कुछ बाधायुक्त किंतु धनागम निरंतर होता रहेगा। नौकरी पेशा और स्व व्यवसाय करने वाले सभी लोग अच्छा लाभ उठाएंगे। कुछ नए स्वरोजगार भी विकसित होंगे। पारिवारिक रूप से यद्यपि यह माह मीन राशि के जातकों के लिए अच्छा रहेगा, परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे का सकारात्मक सहयोग करेंगे। आपसी प्रेम और सौहार्द की भावना बढ़ेगी। माता पिता का स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। 15 जून को सूर्य के राशि परिवर्तन के बाद परिवार में कुछ स्थितियां बदलेंगी। कुछ मानसिक या शारीरिक कष्ट भी हो सकते हैं। अपने महत्व को बढ़ाने के दिशा में कुछ प्रयास होते हुए दिखाई दे रहे हैं। परिवार के सौहार्दपूर्ण वातावरण को बनाने के लिए इस माह में सावधानी अपेक्षित है। संतान पक्ष के लिए इस माह में आपके दायित्व कुछ बड़े रहेंगे। अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए आपके पास ढेर सारे अवसर होंगे। जीवन शैली को संतुलित रखने का प्रयास करें। शारीरिक और मानसिक रूप से स्वयं को सक्रिय रखते हुए अपने गुरुजनों के प्रति भी इसी प्रकार के ध्यान अपेक्षित है। मीन राशि के जातक इस माह में कुल मिलाकर परिवार की उन्नति, सुख समृद्धि के लिए सक्रिय रूप से प्रयास करते हुए दिख रहे हैं। संपूर्ण रूप से कल्याण के लिए मीन राशि के जातक श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। चलिए अब बात कर लेते हैं जून 2021 में पड़ने वाले प्रमुख तीज त्योहारों की। सबसे पहले 6 जून 2021 दिन रविवार को अपरा एकादशी का पर्व मनाया जाएगा। फिर 10 जून 2021 दिन गुरुवार को वट सावित्री की पूजा की जाएगी। इसके बाद 20 जून 2021 दिन रविवार को गंगा दशहरा मनाया जाएगा। 21 जून 2021 दिन सोमवार को निर्जला एकादशी उपवास रखा जाएगा और अंत में 24 जून 2021 दिन गुरुवार को ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत किया जाएगा। यदि आप इन 30 त्योहारों के बारे में विस्तार से जानकारी चाहते हैं तो आप hindi.astroyogi.com पर विजिट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जून महीने में पड़ने वाले शुभ मुहूर्तों की। पहले बात करते हैं विवाह मुहूर्त की, जिसकी तारीख है 3, 4, 5, 16, 19, 20, 22, 23 और 24 जून। गृह प्रवेश मुहूर्त की शुभ तारीख
4, 5, 19 और 26 जून है। इसके अलावा नया वाहन खरीदने के लिए शुभ मुहूर्त 2, 13, 20, 21, 27 और 28 जून की तारीख शुभ मानी गई है। इसके साथ ही अब बात कर लेते हैं ग्रह गोचर की। तो 2 जून 2021 को मंगल कर्क राशि में गोचर करेगा, वहीं 3 जून 2021 को बुध वृषभ राशि में राशि परिवर्तन करेगा। इसके बाद 15 जून 2021 को सूर्य मिथुन राशि में गोचर करेगा और 22 जून 2021 को शुक्र मिथुन से निकलकर कर्क में प्रवेश करेगा। वहीं मंगल और शुक्र का कर्क में एक साथ युति करना मिथुन, कन्या आदि इन राशियों के लिए लाभकारी होगा, बल्कि तुला, मकर, कुंभ इन राशियों को बचकर रहने की जरूरत भी होगी। साथ ही साल 2021 का पहला सूर्य ग्रहण 10 जून दिन गुरुवार को लगने वाला है। इस ग्रहण की अवधि दोपहर 1:42 से शुरू होकर शाम 6:41 तक रहेगी। इसका दृश्य क्षेत्र उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भाग, यूरोप और एशिया के आंशिक व उत्तरी कनाडा, ग्रीनलैंड और रूस में पूर्ण रूप से रहेगा। यह सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, इसलिए भारत में इस सूर्य ग्रहण का धार्मिक प्रभाव और सूतक मान्य नहीं होगा। दर्शकों, यह राशिफल सामान्य ज्योतिषीय आकलन के आधार पर है। यदि आप कुंडली के अनुसार विस्तार पूर्वक अपनी राशि के बारे में जानना चाहते हैं तो आप एस्ट्रोयोगी एस्ट्रोलॉजर ऐप डाउनलोड करें या स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके आप मुझसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा और आप हमें वीडियो संबंधित सुझाव भी दे सकते हैं। एस्ट्रोयोगी, इंडियाज नंबर 1 लाइव एस्ट्रोलॉजी ऐप।